वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लवली पीपल। जी बिल्कुल यस टीवी पर हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त रंजीत कौर आपकी अपनी प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप्स के साथ। जनाब गॉसिप्स की बात चली है तो वैसे तो हम जैसी गर्ल्स ना गॉसिप्स के मामले में ना पीछे नहीं रहती है ना। अब जैसे गॉसिप्स की बात चली है तो मेरे प्रोग्राम में मैं अक्सर बात करती हूँ बॉलीवुड की गॉसिप्स की। जी हाँ, जहाँ पर हम बात करते हैं बॉलीवुड के सितारों से जुड़ी हुई। तो इसी तरह बॉलीवुड के सितारों से जुड़ी हुई ढेर सारी खबरों के साथ मैंने एंट्री कर लिया और आप सभी का स्वागत भी तहे दिल से कर दिया है। तो इसी के साथ प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं कि आज की खास क्या खबर है। भाई आज की खास खबर कुछ इस तरह है, आप सभी जानते हैं 2018 में रणबीर सिंह की फिल्म आई थी सिम्बा। जी हाँ, सिम्बा फिल्म आई थी ये सभी जानते हैं और 2018 में इस फिल्म ने काफी ज्यादा हम सभी को एंटरटेन किया था और काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी ये मूवी। इसी के साथ अब रोहित शेट्टी ने फिर से डिसाइड किया है कि रणवीर सिंह के साथ कोई कॉमेडी फिल्म वो इस साल भी करने वाले हैं। लेकिन खास बात ये है कि इस फिल्म को करने के लिए जनाब रणवीर सिंह ने मांगी है अपने मुंह मांगी रकम। जी हाँ जी, रणवीर सिंह जो कि आज बॉलीवुड के सितारों में से एक ऐसे सितारे हैं जिन्हें हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहता है, इसीलिए तो इन्होंने इस फिल्म को करने के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम रखी है। तो जी इस चीज की टेंशन तो फिल्म वालों को होनी चाहिए ना, हमें तो इस चीज की टेंशन है कि फिल्म कब आएगी और कब हम देखेंगे। जी हाँ जी, रणवीर सिंह फिर से नजर आएंगे अपनी एक कॉमेडी फिल्म के साथ, द कॉमेडी ऑफ एरर पर आधारित है। तो ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाली फिल्मों में भी रणवीर सिंह और भी ज्यादा रकम रख कर अपनी फिल्म में एंट्री करने वाले हैं। तो ये इनकी एंट्री कब होगी ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और खास बात। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा जिन्हें आप सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने शादी कर ली थी निक जॉन्स के साथ। दोनों काफी अच्छे पार्टनर कपल लुक में नजर आते ही हैं और साथ ही साथ ये दोनों अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ अपने घर में रहकर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते हैं। इसी बीच प्रियंका चोपड़ा की एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अपने बहुत ही प्यारा सा घर दिखाया है। जी हाँ, आपको बता देती हूँ कि ये जो घर है जो कि प्रियंका चोपड़ा का और निक जॉन्स का घर है वो 145 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है जनाब। तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में कितनी ज्यादा फैसिलिटीज होंगी ना, है ना। फैसिलिटीज की बात करें तो जी प्रियंका चोपड़ा अपनी काफी छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट्स में भी नजर आती हैं जो कि एडवर्टीजमेंट्स उन्होंने अपने घर पर ही शूट की होती हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इनका घर इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि इन्होंने अपनी हर एक यूज की चीज अपने घर में बनाई हुई है। 7 बेडरूम के साथ साथ आपको स्विमिंग पूल भी नजर आएंगे। वाह जी वाह, आलीशान घर की बात चल रही है तो भाई आप सोच सकते हैं ना कि कितना आलीशान घर होगा। और आपको बता देती हूँ घर में किचन तो नॉर्मल सबके घर होता ही है ना, इनके घर में हर तरह की फैसिलिटीज इन्होंने रखी है, वो चाहे गैराज हो, जिम स्पेस हो या फिर म्यूजियम रूम हो, हर तरह की फैसिलिटीज इन्होंने अपने घर पर रखी है। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी अच्छी खबरें। ऐसी ही खबरों को अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी हुई गॉसिप आप और भी जानते हैं तो हमसे शेयर कर सकते हैं और हमारी बातें आप सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो फटाफट से जाइए यूट्यूब पर और सर्च कीजिए यस टीवी और सर्च करते ही मैं तो कहती हूँ जनाब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपको इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अभी मैं चलती हूँ, लेकिन कल फिर हाजिर हो जाऊंगी ढेर सारी खबरों के साथ, ढेर सारी गॉसिप्स के साथ जो कि बॉलीवुड से ही जुड़ी होंगी। तब तक लिए अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए यस टीवी। बाय बाय, टेक केयर।